और आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, 50 नहीं होगी आपकी केवाईसी के साथ, बैंक आपको 50,000 तक का डिमांड ड्राफ्ट बना के दे सकता है, भले ही आपका उस बैंक अकाउंट कोई खाता हो या नहीं हो। क्लियर है गाइज यहाँ तक? डिमांड ड्राफ्ट क्लियर है? गुड। डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली लार्ज सम, बड़े अमाउंट के लिए, पैसों के लिए, ऑफिशियल पेमेंट वगैरह करने के लिए यूज होता है। ये सेशन हमारा हो गया है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेशन विच इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक वे में जो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो उसमें आपका आरटीजीएस, एनईएफटी है, या आपका आईएमपीएस हो गया, या आपका डिजिटल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रही है, फिजिकल तरीके से आप नहीं कर रहे हो ट्रांजेक्शन, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो वी आर स्टडिंग, हम जो ये चैप्टर में दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के मोड्स, हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। आरटीजीएस की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है आपको, आप याद रखोगे, ये समझ के लोगे तो आपको इजीली पड़ेगा, आप फिर क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो भी आपका ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर का हो रहा है उसको आरटीजीएस कहते हैं। 2 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन आरटीजीएस होता है। मैक्सिमम कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप कितने भी अरबों का कर सकते हो, कितने भी करोड़ का कर सकते हो। आपका ट्रांजैक्शन 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आपको बेनिफिशियरी के डिटेल्स देने होते हैं, अपने खाते के डिटेल्स इसमें देने होते हैं। और अगर मान लो किसी कारणवश आपका ट्रांजैक्शन उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब 2 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका पैसा आपके खाते में सेम डे को वापस आ जाएगा। आरटीजीएस सिंपल है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो या बैंक को इंस्ट्रक्शन देके कर सकते हो। 2 लाख से ज्यादा का वैल्यू इज आरटीजीएस। एनईएफटी भी सेम मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, सारी चीजें सेम होंगी एनईएफटी की जैसे आरटीजीएस होती है। डिफरेंस बस इतना है कि 2 लाख के नीचे की वैल्यू एनईएफटी में होती है, 2 लाख के नीचे की वैल्यू एनईएफटी में होती है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि मान लो किसी कारणवश आपका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाया, तो आपका खाते में पैसा आने में 24 घंटे का समय लग जाता है। 24 घंटे के बाद ही वो पैसा आपके खाते में लौटाया जाएगा। ये होता है एनईएफटी। एनईएफटी में मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं है, हम 2 लाख के नीचे की वैल्यू, मिनिमम वाली वैल्यू जो होती है वो एनईएफटी में होती है। आप 5 लाख 10 लाख कोई भी वैल्यू कर सकते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आरटीजीएस का पैसा सेम डे आ जाता है, एनईएफटी का 24 घंटे का वक्त लगता है, इसीलिए लोग 2 लाख के ऊपर आरटीजीएस करवाते हैं। ऐसा नाम है, उसी से समझ में आता है कि आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, विद इन मिनट्स पैसा जो है सामने वाली पार्टी को पहुंच गया, तो ये इमीडिएट पेमेंट आप कर रहे हो सामने वाले को। ये 24 घंटे 7 दिन पेमेंट सर्विस अवेलेबल होती है। ये पेमेंट आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू या एटीएम के थ्रू भी कर सकते हो। इसमें आपके सामने वाले का मोबाइल नंबर हो या यूपीआई का आईडी हो और नाम हो तो भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। आप ये ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर पाओगे, 5,000 से लेके 50,000 तक की लिमिट्स होती है। हर बैंक की लिमिट डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत कम है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि आप सिर्फ नंबर और नाम के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, आपके पास पूरे खाते की डिटेल्स नहीं है। तो इसीलिए इसकी लिमिट जो है बैंक ने बहुत कम करके रखी हुई है। आज जो रखना है आईएमपीएस का फुल, और आईएमपीएस लॉन्च किसने किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किया था। कब किया था ये, 22 नवंबर 2010 को किया था। और ये किस किस चीजों के द्वारा आप इसका उपयोग कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल फोन के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, एटीएम के थ्रू, 24 घंटे 7 दिन इसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लिमिट इसकी बहुत कम होती है, ये चीजें याद रखनी है आईएमपीएस को लेकर।
नेक्स्ट वाले सेंशन पे चलते हैं जो कि रेमिटेंस थ्रू मोबाइल फोन है। आप इंटरनेट बैंकिंग जब यूज करते हो तो जो भी सुविधाएं आपको मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आपको मोबाइल फोन से भी मिलती हैं। आपको मोबाइल फोन एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करना होता है, बैंक को मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन का एक रिक्वेस्ट साइन करके देना होता है। जैसे ही आप ये रिक्वेस्ट दे दोगे, बैंक आपको एक MMID नंबर देगा जिसका फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। MMID नंबर जैसे आपका खाते का कस्टमर आईडी नंबर होता है उसी तरह का 60 डिजिट का नंबर होता है, और जैसे आपका ATM पिन होता है बैंक आपको M पिन देगा। M पिन का मतलब मोबाइल बैंकिंग पिन होता है। वो M पिन और MMID के थ्रू आप अपने मोबाइल बैंकिंग के सारे सर्विसेज अवेल कर सकते हो। सारे ट्रांजैक्शंस जो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अवेल कर सकते हो वो अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से भी आप अवेल कर सकते हो। इसमें रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि वाईफाई किसी ने हैक कर लिया, आपका सर्वर किसी ने हैक कर लिया, तो सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज फ्रॉम द बैंक। और इसमें लिमिट वगैरह आप सारी सेट कर सकते हो, आप कोई भी लिमिट सेट कर सकते हो, आपको बस बैंक को लिमिट सेट करने की रिक्वेस्ट देनी होती है। ये हो गया आपका मोबाइल फोन ऐप वाला चीजें याद रखने वाली। MMID, एम पिन कितने डिजिट का होता है वो, और ये वाली सर्विसेज भी हमें NPCI के द्वारा ही लागू हुई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही ये वाली सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड होती है। और मोबाइल बैंकिंग में हम सारे सर्विसेज ले सकते हैं जो हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अवेल कर सकते हो। ओके, इंटरनेट बैंकिंग से आप क्या क्या सर्विसेज ले सकते हो? ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, स्टॉप चेक और चेकबुक रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट डाउनलोड, सारी सर्विसेज, एनी सर्विसेज यू से जो आप फिजिकली बैंक में जाके रिक्वेस्ट पहले प्लेस करते थे, अब वो सारी सर्विसेज आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ले सकते हो। इसमें फायदा ये है कि हम एक्सेस तो हमारे अकाउंट को कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे सातों दिन हम कर सकते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस हम 24 घंटे सातों दिन अवेल कर सकते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए हमें ब्रांच बैंकिंग आर्स के साथ ही कोऑर्डिनेट करना होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? आवाज आ रहा है, ज्यादा आवाज आ रही है, शोर आ रहा है। ओके, वासी यादव का माइक्रोफोन खुला है, म्यूट करने लो। ओके ओके, आवाज आ रहा है, एक मिनट। हाँ, अब आवाज बंद हो गई है, ठीक है। तो ये वाले जो सर्विसेज होते हैं ये आपको बैंकिंग आवर्स के दौरान वाले जो सर्विसेज है वो उसी वक्त लेने होते हैं। ये एक्चुअली है ना, शायद मेरे पड़ोसी के यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो वो उसका शोर है। एनीवेज आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इट। ये वाली जो सर्विसेज है बेसिकली आपके 24/7 वाली सर्विसेज आप इसमें से ले सकते हो। NEFT, RTGS आपको ब्रांच बैंकिंग आर्स के थ्रू ही अवेल करनी होती है, बाकी आप सारी सर्विसेज जो है वो आपका जब नॉन बैंकिंग आर्स है तभी भी ले सकते हो। ATM के थ्रू भी आप रेमिटेंस कर सकते हो। हमारे इंडिया में ATM के थ्रू ज्यादातर लोग रेमिटेंस करते नहीं है। पर्पस क्या होता है ना करने का, वो ये है कि सिक्योरिटी कम होती है। हमारे आसपास जो है वो हमारे लॉगिन आईडीज वगैरह देख सकता है, तो ये इस वजह से है ना लोग अवॉइड करते हैं ATM से ट्रांजेक्शन करने के लिए। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? आई होप मैं सुनाई दे रही हूँ कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? Yes, मैं वो बीच में डिस्टॉर्शन भी हो रहा है, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज ओके। मैं दूसरे रूम में जाकर, गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज माय रूम ताकि थोड़ा सा कोई शोर ना आए।
आपका साउंड नहीं आ रहा है मैम, साउंड नहीं आ रहा है। अभी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी आ रही है। ठीक है, तो हम स्टडी कर रहे थे एटीएम के बारे में। एटीएम के थ्रू भी हम रेमिटेंसेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में एटीएम से ज्यादातर लोग रेमिटेंस करना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि सिक्योरिटी बहुत कम होती है, रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, आसपास लोग होते हैं, प्लस एटीएम में भी बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, इसीलिए लोग एटीएम से रेमिटेंस करना पसंद नहीं करते। बट आप लोगों की जानकारी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हो किसी के भी खाते में। उसके अकाउंट डिटेल्स वगैरह आप डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, उसके खाते में पैसा एटीएम के थ्रू भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये सर्विसेज 24 घंटे अवेल कर सकते हो सातों दिन तक। इसमें लिमिट आपकी सेट कर सकते हो आप जो भी है ट्रांसफर करने की, और ट्रांजैक्शंस आप डेली विड्रॉवल ट्रांसफर लिमिट्स वगैरह आपके इसमें सेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 करोड़ रुपया एटीएम से ट्रांसफर करोगे, आपकी लिमिट होती है हर दिन की, और ट्रांजैक्शंस की भी आपके अमाउंट की भी लिमिट्स होती है। ये हो गया आपका एटीएम वाला सेक्शन, रेमिटेंस टू एटीएम। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब हम अगर कंपेयर करके देखते हैं आरटीजीएस और एनईएफटी में। आरटीजीएस जो है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए, एनईएफटी सारे ट्रांजैक्शन के साइजेस के लिए होता है। आरटीजीएस थोड़ा सा ज्यादा महंगा होता है एज कम्पेयर टू एनईएफटी। एनईएफटी में जो प्रोसेसिंग टाइम है, अगर इन केस के पैसा सामने वाले को नहीं मिला, ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ, तो जो बैच प्रोसेसिंग टाइम है वो 24 घंटे का है। आरटीजीएस में इट इज कंसिडर्ड 22 आवर्स बेसिकली, और वो पैसा आपको सेम डे वापस भी मिल जाता है। IMPS मोबाइल फोन दोनों एक तरीके से काम करते हैं। IMPS की लिमिट कम होती है। मोबाइल फोन से आपकी लिमिट जो है वो आप कोई भी लिमिट सेट कर सकते हो, दोनों ही रिस्की हैं। इंटरनेट बैंकिंग बहुत कन्वीनियंट है, कहीं से भी हो सकते हैं। ATM के लिए आपको ATM में जाना पड़ेगा और ज्यादा रिस्की होता है ATM ट्रांजेक्शन एज कम्पेयर टू इंटरनेट बैंकिंग। इसमें हमें सेम ब्रांच की अपने ही ब्रांच के एटीएम से करना होगा कि किसी अदर से भी कर सकते हो? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप किसी भी बैंक के एटीएम से कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि मान लो मेरा खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, मैं HDFC बैंक का एटीएम से भी ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ, तो जरूरी नहीं है ऐसे कुछ। अब ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को RBI जो है हर रोज सुधारने की कोशिश कर रही है। अब पहले के जमाने में तो इतनी हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल भी नहीं थे। अब देखो आप क्रिप्टो करेंसी हो गया और ब्लॉकचेन वगैरह, मतलब दुनिया में जो हो रहा है ट्रांजैक्शंस, वो सारे ट्रांजैक्शंस RBI की वजह से हम इंडियन बैंकिंग फैसिलिटीज भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉड डिडक्शन वगैरह क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो फ्रॉड डिटेक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। सर्विसेज पर्सनलाइज्ड हो गई है हमारी। हम पहले जैसे हम छोटी छोटी चीज के लिए हमें बैंक के ब्रांचेस पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, आज की तारीख में वैसा नहीं है। हम सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर सकते हैं। तो रेगुलेटरी चेंजेस मतलब पहले अगर कोई बैंक वाला हमारे साथ हमें कोई बदतमीजी से पेश आता था तो हम कहीं कंप्लेन वगैरह कर ही नहीं सकते थे। बट आज की तारीख में हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। अगर बैंक से हमको कोई भी सर्विसेज में दिक्कत आ रही है, कोई अननेसेसरी चार्जेस बैंक लगा रहा है, तो हम उसकी कंप्लेन RBI को, ओम्बड्समैन को कर सकते हैं। तो ये सारे रिसेंट ट्रेंड और डेवलपमेंट है जो हमारे बैंकिंग में हमको मिल रही है आज की तारीख में। मोबाइल बैंकिंग से हम क्या कर सकते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, मोबाइल बैंकिंग एप्स के थ्रू UPI से भी हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI फैसिलिटीज भी आज की तारीख में हमारे लिए मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज में इंक्लूडेड होती हैं। तो
इसमें पैसा इमीडिएटली सामने वाले को मिल जाता है, क्यूआर कोड के थ्रू हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, हमको तो सामने वाले का नाम भी पता करने की जरूरत नहीं है, हमको किसी को पैसा भेजना है हम क्यूआर कोड के थ्रू भी भेज सकते हैं, तो इतनी सिंपल बैंकिंग हो गई है। मोबाइल बैंकिंग ऐप जो हमको बैंक से मिलती है, SBI का योनो, HDFC मोबाइल बैंकिंग, ये सारे ऐप्स हैं, ये ऐप्स के थ्रू भी हम क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई के थ्रू पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो बैंकिंग नाउ डेज इज सो कन्वीनियंट, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल से हम कितने सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो है *99#, इसकी कुछ चीजों आपको ध्यान से समझनी है, इसमें से ज्यादा सवाल पूछने वाला है नहीं, छोटा सा पैराग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक में। तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो बैंकिंग सर्विसेज के लिए NPCI ने हमको दी है। NPCI मतलब जो IMPS वाला प्लेटफॉर्म, जो IMPS की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये वाला प्लेटफॉर्म भी NPCI ने बनाया है हमको, जिसमें बैंक अलाउ करता है कि हम SMS की सर्विसेज के थ्रू मोबाइल फोन से ट्रांजैक्शंस इनिशिएट करें, कोई ट्रांजैक्शन फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल या वैल्यू एडेड सर्विसेज किसी भी तरह के हो सकते हैं। फिनेंशियल सर्विसेज क्या ऑफर करता है *99# हमको, हम पैसा किसी को भेज सकते हैं उसके मोबाइल नंबर के थ्रू, उसके UPI ID के थ्रू, उसके अकाउंट नंबर और IFSC के थ्रू। सेम मेथड में हम पैसा मंगा भी सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर के थ्रू, मेरे UPI ID के थ्रू, या मेरे अकाउंट नंबर और IFSC के थ्रू, दोनों तरीके, मतलब मैं अपने अकाउंट में भी मंगा सकती हूँ, मैं किसी को सेंड भी कर सकती हूँ। नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या कर सकती हूँ, मैं अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकती हूँ, UPI का पिन चेंज कर सकती हूँ, सेट कर सकती हूँ पिन अपना UPI का, और लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस देख सकती हूँ मैं मेरे खाते के। सर्विसेज क्या क्या देता है *99#, याद रखना। कौन इसको डेवलप किया है, NPCI ने डेवलप किया है, याद रखना। और ये सर्विसेज आप अपने GSM के हैंडसेट, मतलब स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन वगैरह से भी यूज कर सकते हो। बस ये चीजें आपको याद रखनी है, ये 7 दिन 24 घंटे चलती है, आप कभी भी ये सर्विसेज यूज कर सकते हो। *99#, क्लियर है गाइस, ये सर्विसेज इतनी पॉपुलर हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हुई है, क्योंकि हम तो ATM से भी ये सारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, ये वहां पे ज्यादा पॉपुलर होंगे जहाँ पे ATMs नहीं है, मतलब बहुत ही गांव खेड़ा है, कहीं पर ATM नहीं है, तो वहां पे लोग ये वाली सर्विसेज यूज करते होंगे, ये SMS के थ्रू बैंकिंग कर रहे हैं। दूसरा जो मेथड है वो है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS, फुल फॉर्म याद रखना, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, नाम में ही, डेफिनेशन नाम में ही छुपा है। आधार के थ्रू जो पेमेंट हम यूज पेमेंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये हमको क्या करता है, अलाउ करता है कि हम किसी भी ATM के थ्रू या किसी भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो बैंक का है वहां जाकर के अपने आधार कार्ड की डिटेल्स के साथ ट्रांजैक्शंस कर सके। माइक्रोपॉस ATM यानी छोटा मोटा ATM हो गया, या कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो बैंक के ट्रांजैक्शंस कर रहा है वहां जाकर हम अपने आधार कार्ड के डिटेल्स के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सके, वो है AEPS। ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें मेरे पास होनी चाहिए, बैंक का नाम, आधार नंबर, बायोमेट्रिक मेरे जो है वो अपडेटेड होने चाहिए आधार कार्ड पे। क्यों ये सर्विस RBI ने शुरू की, ताकि कस्टमर्स को अपने आधार कार्ड के थ्रू, अपनी आइडेंटिटी के थ्रू बेसिक जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है वो करने की सुविधा मिल सके। क्या क्या सुविधा मिलती है, कैश डिपॉजिट हम कर सकते हैं, कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, इंट्रा बैंक और सेम बैंक में या किसी और बैंक में हम फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकते हो, ये सारी सुविधाएं हमें AEPS के थ्रू मिल जाती हैं। डिटेल्स में लिखा हुआ है आप कौन कौन से ट्रांजैक्शंस इससे कर सकते हो।
ओके, यहाँ पर हमारा सारा चैप्टर तो कवर अप हो चुका है, अब आपको करना क्या है इसमें, मैं वो बताती हूँ। ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा बड़ा लेंदी चैप्टर है, तो जो चीजें आपको ये पीपीटी में शेयर की हुई है ना, ये पीपीटी को अच्छे से आप समझ लीजिए, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो बोला है उसको समझो, डेफिनेशंस में जो वर्ड्स है ना उसी में डेफिनेशन छुपी हुई है, आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, रेमिटेंस का पैसा कोई भी ट्रांजैक्शन करना, पैसा इधर उधर करना, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो रेमिटेंस का डेफिनेशन आप उस तरह से सोचोगे तो आपको डेफिनेशन समझ में आएगा कि ये रेमिटेंस का डेफिनेशन है। बाकी आधार कार्ड वाला जैसे हमने अभी पढ़ा है, तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मतलब आधार कार्ड से जो मैं पेमेंट कर सकता हूँ उसको आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। तो DICGC जैसे, DICGC का फुल फॉर्म आपको याद आ गया अगर, कि डिपॉजिट इंश्योरेंस है, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, तो वहां से आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे मेरे डिपॉजिट पे जो इंश्योरेंस सरकार दे रही है, RBI दे रही है, ये DICGC उसी से रिलेटेड है। चीजें कौन कौन सी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है वो आपको याद रखना है। जैसे DICGC का होल सब्सिडरी कौन है, RBI है। IMPS की सर्विसेज कौन दे रहा है, NPCI दे रही है। कौन सा आपका जो एक्ट है वो कौन से साल में बनाया गया है, वो चीजें आपको याद रखनी है। और आपके RBI की अंडर डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। तो ये जो जो भी चीजें हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है ना, वो लेट सम अप में छोटे छोटे डेफिनेशन द्वारा दी गई है। तो वो लेट सम अप को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये होने के बाद फिर आपका कीवर्ड सेक्शन आता है चैप्टर के एंड में। तो कीवर्ड सेक्शन में भी आपको सारी डेफिनेशंस मेंशन है, वो कीवर्ड सेक्शन को एक बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा। ये होने के बाद आपका गूगल वगैरह पे जा करके आप पिछले एग्जाम्स के पेपर्स डाउनलोड करने की कोशिश करिए। IIBF के क्वेश्चन पेपर्स जो है ना, वो चैप्टर वाइज भी IIBF के पेपर्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप वहां से कुछ पेपर्स डाउनलोड करिए, वो पेपर सॉल्व करिए। इतना कर लोगे ना आराम से पास हो जाओगे। और ये जो बुक है ना, ये आप अपने लैंग्वेज मदर लैंग्वेज में भी मंगा सकते हो। ये बुक आपके बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, ऑल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जब आप बुक के लिए ऑर्डर प्लेस करो तो आप अपना जो भी नेटिव लैंग्वेज है आप उसी में मंगाओ। और एग्जाम्स के लिए भी आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, आप अपने नेटिव लैंग्वेज में एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम तो इंग्लिश एंड नेटिव लैंग्वेज बोथ में होंगे ना। आशीष जी थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? ये जो IIBF की एग्जाम होते हैं ये तो इंग्लिश प्लस नेटिव लैंग्वेज बोथ में आते हैं ना? क्या क्या IIBF के एग्जाम्स है वो इंग्लिश एंड नेटिव लैंग्वेज दोनों में आते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश एंड नेटिव लैंग्वेज दोनों में आते हैं। तो जो जिस किसी में भी आप कंफर्टेबल हो आप वही वाली लैंग्वेज को सिलेक्ट करिएगा। और बुक्स भी आपको नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाती है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बुक ऑर्डर कर सकते हो।